हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में अपनी बाइक जो कि स्प्लेंडर प्लस BS6 मॉडल है, उसमें एंटी थिफ्ट सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, और यानी कि हम इसमें जो है सेंट्रल लॉकिंग लगाएंगे। और गाइस, जो इस सेगमेंट की सभी बाइक्स है उनके लिए ये जो प्रोसेस है वह सेम रहने वाला है। और जो BS3 और BS4 का इसका जो मॉडल है स्प्लेंडर का, उससे काफ़ी डिफरेंस है इसकी इंस्टॉलेशन में। तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो समझ में आएगी। तो चलिए सीधे अभी वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी जन के दिमाग में ऐसा डाउट रहता है कि ये जो सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है हमारा, ये बैटरी को ड्रेन करेगा और हमारी जो बाइक है उसमें स्टार्टिंग की दिक्कत आ सकती है। तो बिल्कुल गाइज, ये जो अगर आपकी बाइक जो रेगुलर नहीं चलती तो आप इसकी जो वायर है उसको निकाल दीजिएगा, नहीं तो क्या आपकी बाइक की बैटरी जो वो ड्रेन होगी। बस इतना ही हो सकता है। बाकी ये BS6 मॉडल है, तो काफ़ी जन को ऐसा भी लगता होगा कि ये बैटरी के साथ ही स्टार्ट होती है, विदाउट बैटरी स्टार्ट नहीं होती। तो मैं यहाँ पर जो है एक बैटरी की वायर को हटा के और किक से आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ कि ये स्टार्ट होती है या नहीं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी बैटरी की वायर को निकाल दिया है और अभी इसको मैं यहाँ पर जो है स्टार्ट करूँगा किक से। सो गाइस, आप देखते हैं बाइक हमारी अभी स्टार्ट हो चुकी है और विदाउट बैटरी ये स्टार्ट है। तो अगर आपकी बाइक की बैटरी जो है लो भी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किक से बाइक को जो है स्टार्ट कर पाओगे। जितनी भी यहाँ पर जो किक वाली बाइक्स हैं ऐसे जो छोटी वाली बुलेट वगैरह को छोड़ के, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसे सिक्योरिटी सिस्टम को आप लगा सकते हो, अगर आपकी बाइक रेगुलर नहीं चलती तो उसकी वायर निकाल दो, बस इतना ही है। तो चलिए सीधे भी इंस्टॉलेशन की ओर आते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपका जो है ये सिस्टम रहने वाला है, और ये काफ़ी सारी वीडियो में आपने देखा होगा, तो इसको मैं अभी ये स्टेप को स्किप कर देता हूँ। जस्ट ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक डबल की वाला होता है, एक सिंगल की वाला होता है, और एक में जो है टॉकिंग वाला ये अलार्म अलग से होता है, एक में नहीं होता, बस इतना फ़र्क है। बाकी ये दो तीन तरह के जो है मार्केट में आते हैं, तो आप कोई सा भी यहाँ से ले सकते हो। वायरिंग सबकी जो है सेम रहने वाली है। तो मेरे पास जो है मैं इसको अभी मैं आपको लगा के दिखाऊँगा, तो ये है इसकी वायरिंग। तो चलिए अभी वायरिंग को करते हैं। और गाइस, यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन गाइड इन्होंने दे रखी है ये हमारे BS6 के काम में नहीं आएगी, तो इसका जो वायरिंग है ये अलग है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, और बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, कभी भी आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी अब तक। सो गाइस, यहाँ पर जो है सबसे पहले दो येलो वायर है, तो येलो वायर जो है दोनों इंडिकेटर में एक एक जाती है, और ये मैंने टोटल जो है पिछली वीडियो में बता रखा है, ऊपर मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। तो इसको जस्ट मैं यहाँ पर जो है लगा देता हूँ, दोनों इंडिकेटर के पोस्टी में एक एक लग जाएगी कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो। देन उसके बाद गाइस, यहाँ पर जो है रेड और ब्लैक वायर जो वो बैटरी में जाएगी डायरेक्ट, तो इन दोनों को मैं डायरेक्ट बैटरी से लगा लेता हूँ। सो गाइस, आप देखते हैं यहाँ पर रेड को मैंने प्लस में लगा दिया और ब्लैक को यहाँ पर मैंने नेगेटिव में लगा दिया बैटरी के। अभी गाइस, यहाँ पर जो है एक ब्लू कलर की वायर है जो कि सेल्फ की रिले में जाती है, तो सेम जो है यहाँ पर जो एक सेल्फ की रिले रहती है, तो जो पुरानी BS3 थी या फिर BS4 मॉडल था इसका, उसका जो रिले का जो वो लोकेशन था वो अलग था, इसका यहाँ पर है। तो क्या यहाँ पर जो है रिले में पीछे साइड देखोगे तो एक येलो कलर की वायर है और बीच में रेड की पट्टी है, तो यहाँ पर जो है ये वाली जो वायर है वो लग जाएगी। तो जस्ट आपको रिले को जो है इस टाइप से लॉक को ऐसे निकाल के रिले को निकाल लेना है, देन उसके बाद इस वायर में ऐसे इंसर्ट करके ऊपर से फिर से रिले को लगा देना है जैसे हम पहले लगाते थे। तो इस टाइप से गाइस हमारा जो आधा काम अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी लास्ट एक वायर का कनेक्शन रह गया जो कि सबसे टफ है, और मतलब उसका ही कनेक्शन जो है डिफरेंट है BS6 मॉडल में। सो गाइस, ये है ऑरेंज वायर जो कि इग्निशन सिस्टम को चलाती है, जैसे आप रिमोट में जो है बटन को प्रेस करोगे। तो पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर इसका जो फ्लैशर रहता था उसमें ये वायर जाती थी, तो अभी भी इसका जो फ्लैशर है यहाँ पर जो है इस रिले के पीछे है। तो यहाँ पर मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। तो गाइस, इस नट को आप खोलोगे तो यहाँ पर जो है इसके पीछे एक छोटा सा आपको ऐसा जो है फ्लैशर देखने को मिलेगा, और इसकी ब्लैक वायर में हम लगाते थे, तो सेम टू सेम मैं यहाँ पर जो है ब्लैक वायर में इस वायर को इंसर्ट करके बताता हूँ आपको। तो क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी BS3 और BS4 मॉडल था उसमें सेम टू सेम यही कनेक्शन रहता था, तो इसमें भी मैं ऐसे करके देखता हूँ कि बाइक हमारी जो है काम करती है या नहीं। तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है और अभी रिमोट से अभी चालू करते हैं इसको। सो गाइस, आप देखते हैं यहाँ पर ये लॉक और अनलॉक यहाँ से हो रही है, और अभी हमें जो है स्टार्टिंग का देखना है कि हमारा जो स्टार्टिंग है वो होता है नहीं इस रिमोट से। तो यहाँ पर ये वाला बटन है, इसको डबल प्रेस करना पड़ेगा। सो गाइस, आप देखते हैं यहाँ पर सेल्फ अभी जो है काम कर रही है और इग्निशन भी हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन हमारी बाइक जो है ऐसे स्टार्ट नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर जो का जो चेक इंजन लाइट है वो यहाँ पर नहीं चल रही है, मतलब ये चाबी ऑन करने पे चलनी चाहिए। और यहाँ से भी अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो देखते हैं यहाँ से चालू होता है नहीं। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये जो है सेल्फ से भी अभी जो है ये स्टार्ट नहीं होगी, और अभी हम जो इसका कनेक्शन जो है वो करके मैं आपको दिखाता हूँ कि BS6 में कैसे होगा इसका कनेक्शन।
क्योंकि सबसे पहले हमारे जो ये जो ऑरेंज वाली वायर है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और हैंडल तक यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पर ही इसका जो है कनेक्शन होगा। तो चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको जो हैंडल के पास से ऐसे निकाल लिया है और यहाँ पर हमारा जो है इग्निशन लॉक का जो कपलर होता है वो रहता है, तो इसी में हम इसका कनेक्शन करेंगे। सो यहाँ पर टोटल जो है चार तारे हैं और चार तारों में से यहाँ पर जो फुल रेड और बीच में ब्लैक की पट्टी है और एक फुल ब्लैक और बीच में रेड की पट्टी है, तो ये दोनों वायर का आपको जो कन्फ्यूज़न होगा सबसे पहले, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो फुल ब्लैक और बीच में रेड की पट्टी है ये इग्निशन की है और जो फुल रेड है बीच में ब्लैक की पट्टी है इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट का करंट है। तो क्या यहाँ पर जो फुल रेड और बीच में ब्लैक की पट्टी है ये अटैच होती है इस वायर से जो कि फुल ब्लैक और बीच में रेड की पट्टी है, इससे हमारा इग्निशन चलता है। और जस्ट इसके ऊपर आप देखोगे तो एक यहाँ पर आपको रेड कलर की वायर दिखाई देगी जो कि आपका जो फ्यूल पंप है इस बाइक का वो उसको जो है चलाने के लिए है, तो इसको भी सप्लाई जब मिलती है तभी आपका जो फ्यूल पंप है वो चलता है और आपका जो टोटल जो चेक इंजन लाइट है वो दिखाता है। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर कि ये जो वायर है इसको जो है दोनों को इसका कनेक्शन कर सकते हैं, मतलब दोनों को यहाँ से ज्वाइंट कर देते हैं, मतलब जो इसका फ्यूल पंप है उसको भी इससे सप्लाई जाएगी और इसका जो इग्निशन का जो वायर है उसको भी इससे सप्लाई जाएगी। तो सबसे पहले ऐसे ही इसको ज्वाइंट करके देखते हैं और इसका एक मैं आपको नुकसान भी बताऊंगा, ऐसा भी आप कर सकते हो लेकिन इसका एक नुकसान है बहुत बड़ा है और वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो जस्ट मैं एक ही जो वायर जो पीछे से आई थी ऑरेंज कलर की उसको मैंने जो है इसको दोनों वायर को जो है सप्लाई दे दी है, एक फ्यूल पंप की वायर को और साथ में इग्निशन की जो वायर है उसको भी। और अभी हम जो है इस रिमोट से इसको स्टार्ट करके देखते हैं बाइक को। सो गाइस आप देखते हैं यहाँ पर रिमोट से हमारी बाइक जो है स्टार्ट हो चुकी है और अभी फिर से एक बार इसको बंद करता हूँ और एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। सो गाइस आप देखते हैं यहाँ पर चेक इंजन लाइट भी जल के अभी जो है बंद हो रही है, तो मतलब प्रॉपर हमारा सिस्टम अभी काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है वो आपको यहाँ से होगा कि आपकी बाइक कोई भी यहाँ पर उठा के जो है ले सकता है, वो कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से गाइस एक ब्लैक कलर की वायर होती है, अगर वो डायरेक्ट यहाँ पर बैटरी से लग जाएगी तो इस कंडीशन में आपकी बाइक ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपका किसी ने साइड पैनल ऐसे खोला और ऐसे किया और आपकी बाइक कोई भी चुरा के ले सकता है। चलिए गाइस इस वायर को अभी मैं लगाता हूँ, तो आप देखते हैं यहाँ पर जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ तो फ्यूल पंप का आवाज़ आपको आ रहा होगा और आपकी बाइक का इग्निशन टोटल चालू हो जाएगा विदाउट की और कोई भी आपकी बाइक ऐसे जो है चुरा के ले सकता है। और आप देखते हैं इजीली स्टार्ट भी हो रहा है, तो ऐसा कनेक्शन आपको नहीं करना, कनेक्शन कैसा करना वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सो गाइस अभी आपको पता चल गया होगा कि हम इसको डायरेक्ट ज्वाइंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पर जो है एक डायोड को यूज़ कर। सो गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से आपको ये 2-3 रुपये में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके ऊपर जो है एक एक्सेस सिल्वर कलर का आपको रिंग मिलेगा जो कि इसकी नेगेटिव की साइड होती है और जहाँ पर जो कुछ भी नहीं है यहाँ पर ब्लैक साइड है वो वहाँ पर पॉजिटिव की होती है। तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव में इसको जो है करंट देंगे और दूसरी साइड हमें जो है यहाँ से करंट मिल जाएगा, लेकिन जो यहाँ से करंट हमारा होगा वो दूसरी साइड नहीं पहुँचेगा, मतलब दोनों को ये शॉर्ट भी नहीं करेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। तो इसका मैं वायरिंग कर लेता हूँ और वायरिंग में इसको मेरे को जो है करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने जो एक और डायोड ले रखा है इसमें मैंने वायरिंग कर रखी है आप देखते हैं यहाँ पर। सो गाइस ये काम कुछ इस टाइप से करेगा, यहाँ पर जो सेंट लॉकिंग की सप्लाई है वो डायरेक्ट हम देंगे इसके फ्यूल पंप को जो कि इसकी जो रेड वायर है यहाँ पर इसको लगा देंगे। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर जो डायोड से घूम के जो जाएगी बाहर उसको जो है हम इग्निशन को जो है जहाँ पर जो इग्निशन की वायर है उसमें लगा देंगे। तो कुछ इस टाइप से इसका कनेक्शन रहने वाला है, तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ। जैसे इसका कपलर हम पहले खोलते थे उस वायर को ऐसे इंसर्ट करते थे, तो सेम टू सेम ऐसे ही आपको कर लेना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अच्छे से टेप कर देना है, तो यहाँ पर मैंने जो अच्छे से मैं इसको टेप कर देता हूँ। सो गाइस आप देखते हैं यहाँ पर ये लॉक और अनलॉक अच्छे से हो रहा है, अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं। सो गाइस आप देखते हैं अभी हमारी बाइक जो स्टार्ट हो गई है और इसका जो सब कुछ जो अभी चल रहा है, और अभी मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ और एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। सो गाइस आप देखते हैं टोटल हमारा जो सिस्टम है अभी वो काम कर रहा है। तो चलिए फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ऐसे ही हमारी बाइक स्टार्ट तो नहीं होती अगर बैटरी से हम डायरेक्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने इस वायर को लगाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन की लाइट अभी चल रही है, अब इसकी सेल्फ से स्टार्ट करके देखते हैं इसको। सो गाइस आप देखते हैं इस टाइप से हमारी बाइक जो है ऐसे स्टार्ट नहीं होगी और हमारी बाइक जो है ये दोनों में से एक की से ही स्टार्ट होगी। सो गाइस अभी इसको मैं लॉक करता हूँ यहाँ से, और इस कंडीशन में अगर कोई इसको छेड़ेगा बाइक को तो इसका सायरन बजने लगेगा। अब इसको यहाँ से मैं अनलॉक कर लेता हूँ और अगर इसको स्टार्ट करना है तो इस बटन को जो आपको डबल प्रेस करना पड़ेगा। सो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अगर आपको ये परचेज़ करना रहेगा तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी गाइस वीडियो कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर बताना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।